नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम हरी मिर्च। ये मोटी वाली मिर्च है, तीखी नहीं होती है, बहुत कम तीखी होती है। तो इसे मैंने धो करके अच्छी तरीके से पोंछ करके रख लिया है। और इसके अंदर डालने के लिए मैंने तेल लिया है, आवश्यकता अनुसार लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 4 से 5 पिंच हमने हींग लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सोंठ पाउडर, 1/4 चम्मच हमने कलौजी को भून करके पीस लिया है, और 1/6 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है, इसे भी मैंने भून कर पीसा है, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, और 1 चम्मच सौंफ पाउडर। धनिया और सौंफ को मैंने भून करके पीसा है, हल्का सा भून लिया है मैंने, हल्का सा गुलाबी होने तक या खुशबू आने लगे उतना हमें भूनना है और पीस लेना है। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। 1 बड़ा चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रखा है, 1 बड़ा चम्मच हरी धनिया कटी हुई। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हरी मिर्च को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो हमें एक चाकू लेना है और मिर्च को ऊपर से इस तरीके से काटेंगे, और नीचे हमें नहीं काटना है, नीचे ज्वाइंट ही रहेगा। तो इस तरीके से सारी मिर्च में हम कट लगाकर रख ले रहे हैं। सारी मिर्चें हमने काट करके रख लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम 1 बड़ा बाउल लेंगे और इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देंगे। हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और सौंठ पाउडर इसे भी डालेंगे, मेथी दाना, कलौजी, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे, और इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, तो हम 1/2 चम्मच नमक डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर ये हरी धनिया डाल देंगे, इसकी खुशबू मिर्च में बहुत अच्छी लगती है। और इसके अंदर हमें थोड़ा सा तेल डालना है, इससे मसाला हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बाइंडिंग भी इसकी अच्छी बने। तो 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हम तेल डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं, और इस समय आप इसमें मिर्च या नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा या कम लग रहा है तो इसमें मिला सकते हैं। तो अब हम मिर्च को भरना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर जहाँ पर मैंने कट लगाया है, इसके अंदर ये सारे मसाले भरेंगे। इस तरीके से उंगलियों से दबाते हुए इसके अंदर हम मसाला भर लेंगे, और इसी तरीके से सारी मिर्च को भर करके तैयार कर लेंगे। सारी मिर्च को मैंने भर कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम सेलो फ्राई करेंगे। तो गैस पर मैंने पैन रख दिया है, और इसके अंदर ये 2 बड़ा चम्मच तेल है, इसे हम डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। सारी मिर्च को हम पैन के अंदर डाल देंगे। आंच को हम मीडियम स्लो पर रखेंगे और इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। फिर से हम चेक करेंगे। 2 मिनट बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और मिर्ची को हम पलट देंगे। मिर्ची को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे पलट पलट कर हम अच्छी तरीके से गल जाने तक पका लेंगे। मिर्च को हम चेक करेंगे और आप देख सकते हैं मिर्च हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है, और बिल्कुल ये मिर्च हमारी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको इसे और ज़्यादा इसे डार्क करना है तो और भी इसे गला सकते हैं, लेकिन ये मिर्च हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम प्लेट में निकालते हैं। हमारा हरी मिर्च का झटपट अचार बनकर तैयार हो गया है। आप इस तरीके से इसे बनाकर 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, और इसे पराठे, पूरी या फिर दाल चावल के साथ खा सकते हैं। सभी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप हरी मिर्च का अचार बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।